subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक मॉडल ने दावा किया कि उसके कपड़ों की वजह से स्थानीय सुपरमार्केट से बाहर कर दिया गया। वहां के कर्मचारियों का कहना था कि मॉडल के कपड़े बहुत अधिक छोटे और ट्रांसपेरेंट थे। 21 साल की मॉडल का नाम कैरोल सवेस है। वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। इंस्टाग्राम पर उन्हें 5 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं टिकटॉक पर उनके 22 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। ब्राजील की रहने वाली कैरोल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर की। उन्होंने कहा, छोटे कपड़े पहनने के कारण मुझे धमकाया गया, ऑनलाइन ट्रोल किया गया। हद तो तब हो गई जब एक स्थानीय सुपरमार्केट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त कैरोल ने सफेद क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहना हुआ था। कैरोल कहती है, सुपरमार्केट ने ड्रेस की वजह से मेरी एंट्री बैन कर दी। कपड़ों की वजह से लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना लेते हैं, यह सही नहीं है। कैरोल ने आगे कहा, मैं ग्लैमरस हूँ और मुझे अपने लुक पर गर्व है। कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ होती है। मॉडल कैरोल ने ट्रोल करने वालों को हॉट वुमन फोबिया से ग्रस्त आदमी बताया है। उन्होंने लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी। उनकी पोस्ट पर सैकड़ों यूजर्स ने रिएक्ट किया। एक ने कहा, इस तरह के कपड़े पहनकर मार्केट जाने की जरूरत नहीं। दूसरे ने कहा, ड्रेस पहनना आपकी मर्जी है, लेकिन गरिमा का ख्याल रखिए। तीसरे यूजर ने लिखा, बच्चों पर इसका पॉजिटिव असर नहीं पड़ता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, पुरुष के साथ भी सुपरमार्केट यही बर्ताव करता। दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।